आइए आज हम बात करते हैं कि औरतों की उम्र का उनकी फर्टिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो आजकल हमारी युवा पीढ़ी का जैसे लाइफस्टाइल हो गया है, खान पान में फास्ट फूड का चलन ज़्यादा है, फिज़िकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है और काम भी ज़्यादातर बैठे रहने वाला ही होता है, तो हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल सिडेंटरी हो गया है। औरतों का और लड़कियों का मोटापा वज़न बढ़ गया है और शादियाँ भी लेट हो रही हैं, या तो कैरियर के कारण या फिर पढ़ाई के कारण। इसकी वजह से औरतों की फर्टिलिटी पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। जब एक औरत का जन्म होता है तो उसकी ओवरी में अंडों की संख्या निश्चित होती है, जो कि 2 से 3 मिलियन होती है, लेकिन जब महावारी शुरू होती है प्यूबर्टी के टाइम पे सिर्फ 2-3 लाख अंडे ही बचते हैं, बाकी सब अंडे एट्रेटिक हो जाते हैं। तो औरत की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, हर महीने महावारी आती है और जिसमें एक अंडा बढ़ता है और काफ़ी सारे अंडे खर्च हो जाते हैं। अब अंडों की संख्या तो निश्चित होती है, अंडे तो नए बनते नहीं हैं, जो होते हैं वो भी खर्च होते जाते हैं, तो उम्र के साथ साथ अंडों की संख्या में कमी आती जाती है और उनकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। क्वालिटी की बात करें तो हम अंडे की क्वालिटी का निर्धारण होता है कि उसके क्रोमोसोम में डिवीज़न की क्षमता कितनी है। तो एज बढ़ने के साथ साथ क्रोमोसोम में डिवीज़न की क्षमता कम होती जाती है, जिससे क्रोमोसोम की संख्या या तो कम हो जाती है या फिर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम एन्यूप्लॉयडी कहते हैं। एन्यूप्लॉयडी का सबसे जो मोस्ट कॉमन कंडीशन है वो है हमारे देश में डाउन सिंड्रोम की स्थिति बहुत ज़्यादा है। डाउन सिंड्रोम में बच्चे का मेंटली और फिजिकली विकसित बच्चा नहीं होता है और उसको बाहर से देखने पर भी उसकी बनावट में भी काफ़ी खराबियां होती हैं। अक्सर लोगों के मन में एक सवाल होता है कि 40 से 50 साल की औरतें कैसे माँ बन सकती हैं। तो जो औरत का यूट्रस है वो किसी भी एज में प्रेगनेंसी को संभाल सकता है अगर उसकी स्थिति सही है, लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ यूट्रस में भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, बहुत सारी खराबियां हो जाती हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड हो जाते हैं, एडिनोमायोसिस हो जाता है, बच्चेदानी में सूजन आ जाती है या फिर खून की गांठें हो जाती हैं, जिनको हम एंडोमेट्रोसिस भी कहते हैं। तो यूट्रस पे भी उम्र का बुरा प्रभाव पड़ता है। ये तो प्रेगनेंसी लगने से पहले की बात है, लेकिन जब प्रेगनेंसी लग जाती है तो बड़ी उम्र की औरतों में मिसकैरेज की रेट ज़्यादा हो जाती है, किसी में बीपी बढ़ जाता है, किसी में शुगर बढ़ जाता है और किसी में अर्ली अबॉर्शन हो जाते हैं, बच्चा कमज़ोर हो जाता है जिसको हम IUGR कहते हैं, या फिर बच्चे के चारों ओर पानी की कमी हो जाती है जिसको हम ओलिगोहाइड्रोमनियोस कहते हैं, या फिर समय से पहले डिलीवरी हो जाती है जिसको हम प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचें, अपने कैरियर के बारे में सोचें, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या अपनी फैमिली कंप्लीट करने वाले हैं तो कभी भी इतना लेट मत कीजिए कि हमें उसके दुष्प्रभाव देखने पड़े, क्योंकि एज बढ़ने पर हमें क्या प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, ट्रीटमेंट प्रलॉन्ग हो जाता है और रिजल्ट भी अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस बात को एड्रेस करिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए।